सो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर गाइस हम आपको सिखाएंगे कि आप लोग HDR फेस स्मूथ फोटेटी गाइस कुछ स्टेप से कैसे करेंगे। तो गाइस अगर आपको भी स्टेप से फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना सीखना गाइस, तो इस वीडियो को कंप्लीट आप वॉच करेंगे एंड गाइस देख लेंगे, तो मैं आपको सेम इसी टाइप से फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करके सबसे आसान तरीके में मैं आपको सिखा दूंगा। अगर गाइस आप लोग इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मैं आपको सेम फोटो एडिट करेंगे सबसे आसान तरीके में सिखाऊंगा। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि मेरा ओरिजिनल फेस है और गाइस मैंने इसी को एडिट करके कितना शानदार तरीके से बनाया हूँ, आप लोग यहाँ पे गाइस लाइव रूप देख ही सकते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो इस वीडियो को कंप्लीट गाइस बस आपको देखना है। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से मतलब स्टार्ट, तो सिंपली गाइस क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे गैलरी के अंदर। तो गाइस अभी आप लोग देख ही सकते हैं एडिट फोटो गाइस, ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग ओरिजिनल फोटो, ठीक है। तो इसी वाले फोटोज को मैं आपको एडिट करके सिखाऊंगा फेस स्मूथ कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छे तरीके से फोटो एडिट कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए गाइस बस आपको क्या करना है, इस वाले फोटोज को आपको सिंपली ओपन करना है थोड़ा सा एसनैपसीड ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर भी आसानी से मिल जाएगा। तो बस इतना काम कर लेना है और बस किस आपको नीचे टूल्स पे क्लिक करना है, ठीक है, टूल्स पे आइएगा और बस आपको टून इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। और गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको सिचुएशन को प्लस करना है यहाँ से 15, ठीक है, यानी आपको वो एम्बिनेंस देगा, एम्बिनेंस को इस तरीके से आपको कर देना है 50+, ठीक है। हाईलाइट को थोड़ा सा नीचे करना है, शैडो पेन है शैडो को इस तरीके से कर लेना है 51+, ठीक है। इसके नीचे आइएगा, इसके नीचे वाले ऑप्शन को 19+ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा सेटिंग आप लोगों के सामने है। अगर गाइस आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग गाइस कर सकते हैं। बस गाइस इतना काम होने के बाद फोटो को डन कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वाले फोटोज़ को आप लोगों को ओपन करना है सिंपली लाइटरूम ऐप के अंदर, जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर गाइस आसानी से मिलेगा, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिससे कि आपका फोटो ओपन होगा तो आपको यहाँ पे एक लाइटरूम का नोटिफिकेशन गाइस मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन पर आपको इस तरीके से क्लिक करना है, जिससे आप लोग क्लिक करेंगे सिंपली लाइटरूम ऐप के अंदर गाइस आप लोग पहुँच जाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक प्रीसेट बनाऊँ जिसका मैं लिंक आपको गाइस दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस फोटो मतलब कि इस प्रीसेट को फोटो के ऊपर कैसे अप्लाई करना है ये सीख लीजिए आप लोग। तो सिंपली प्रीसेट पे इस तरीके से आपको क्लिक करना है गाइस, और गाइस बस आपको क्या करना है, बस आपको ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है इस तरीके से। तो जैसे कि गाइस हम लोग क्लिक करेंगे और गाइस इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉपी सेटिंग पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो जैसे कि गाइस क्लिक करेंगे इस पे एंड इस पे करके और क्रॉप को छोड़ के एंड फोटो को डन करेंगे और गाइस बैक पे क्लिक करेंगे और गाइस ओरिजिनल फोटो पे क्लिक करेंगे, जैसे कि ये मेरा ओरिजिनल फोटो है, ठीक है। और बस गाइस आपको क्या करना होगा, बस आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और गाइस इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है फेस सेटिंग। तो बहुत ही सारे भाई के कमेंट ऐसा करके आते हैं कि सुबह से हमारे प्रीसेट के अंदर हमारे लाइटरूम ऐप के अंदर प्रीसेट काम नहीं करता है। तो गाइस जब तक आपको ओरिजिनल प्रीसेट नहीं मिलेगा तब तक आप लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आपके लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर काम नहीं करेगा प्रीसेट। तो मैं आप लोगों को पूरा ओरिजिनल प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन गाइस दिया हूँ, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखिए 1 क्लिक के अंदर हमारे फोटो के अंदर क्या जादू हुआ है, आप लोग लाइव रूप गाइस देख ही सकते हैं, ठीक है, 1 क्लिक के अंदर। बस अब आपको फेस स्मूथ करना सिखाएंगे, ठीक है। तो बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो फेस स्मूथ करना काफी ज्यादा आसान है, अगर इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देख लेंगे तो मैं आपको सबसे आसान तरीके में सिखा दूंगा। गाइस मैं इस वाले फोटो को सेव किया हूँ और ओके कर लेंगे, आप लोग भी सेव कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे और यहाँ पे नीचे क्लिक करके इसको शेयर कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा वैसे वैसे आप लोग देखते हैं वीडियो को, तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर कैसे सिखा दूंगा। और गाइस यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि इस तरीके से आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, इससे बचना कैसे है, आप लोग यहाँ पे आइएगा और इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर लीजिएगा इस तरीके से, यहाँ पे आइएगा इस पर क्लिक कर लीजिएगा और जो भी आपका फोटो होगा यहीं पे शो करेगा, तो इस पर क्लिक करके फोटो को गाइस आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, फेस को स्मूथ करना है। फेस को स्मूथ करने के लिए क्या करना होगा गाइस, अब बस आपको क्या करना है, ऊपर आपको क्लिक करना है ब्रश वाले ऑप्शन के ऊपर। और गाइस आपको क्या करना है मैं आपको बताना चाहूँगा अच्छे तरीके से, आपको गाइस इस वाले ब्रश को आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से और बस गाइस आपको सेटिंग पे क्लिक करना है इस तरीके से। और बस गाइस आपको फोलो को 5 एस्टेन को भी 5 कर लीजिएगा एंड साइज को अपने हिसाब से कर लीजिएगा और कट कर लीजिएगा। और गाइस बस आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने फेस के ऊपर ब्रश को अप्लाई करना है। तो जैसे जैसे कि आप लोग करेंगे वैसे वैसे आपका फेस काफ़ी शानदार तरीके में स्मूथ हो जाएगा गाइस। तो बस आपको इसी तरीके से करके अपने फेस को जस्ट नाउ कर लेना है गाइस स्मूथ।
तो गाइस आप लोग ने यहाँ पे मेरे वाले फोटो को देख लीजिए कि मैं कितना अच्छे तरीके से अपने फेस को किया हूँ स्मूथ और गाइस वाइट, और थोड़ा सा गाइस कर लेंगे लिप्स को रेड। इसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, देन गाइस आपको क्लिक करना इस वाले ऑप्शन के ऊपर एंड ऊपर प्लस पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक मिरर को आपको क्रिएट करना है, इस पर क्लिक करना है एंड गाइस मिरर पे आना है और इसको गाइस आपको सॉफ्ट लाइट को सेलेक्ट कर देना है और कट करना है एंड गाइस ड्रॉ करना है और ऊपर ब्रश पे आना है और गाइस यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और बस गाइस आपको इस वाले ब्रश को एक बार ना सेलेक्ट कर लीजिएगा और गाइस इसके बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना इस तरीके से। तो ऑपेसिटी को पूरा 100 कर लीजिएगा एंड साइज को अपने हिसाब से करके और कट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बस गाइस आपको ऊपर क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर में क्लिक करना है कलर वाले ऑप्शन के ऊपर। तो यहाँ से आप जो भी अपने लिप्स का कलर रखना चाहेंगे यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं इस वाले को करके और कट कर लेता हूँ और बस गाइस आपको इस तरीके से क्या करना, इस तरीके से आपको आराम से घबराइएगा मत, जितना हो सके गाइस उतना आराम से एडिटिंग को कीजिएगा। अगर आप लोग एडिटिंग में कुछ भी मतलब मिस कर देंगे और कोई भी चीज़ को आप लोग इग्नोर करेंगे ना गाइस, तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे एडिटिंग। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को कंप्लीट आपको वॉच करना एंड गाइस देखना है। अगर आप लोग वीडियो को कहीं भी इग्नोर नहीं करते हैं और अच्छे से देखते हैं तो मैं आप लोगों से गारंटी के साथ बोलता हूँ कि फेस स्मूथ फोटो एडिट करना कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। और बस गाइस इसके बाद फोटो को यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे थोड़ा सा टूलबिज एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पर थोड़ा सा ऑयल पेंट करेंगे जिससे कि हमारा फोटो और भी ज़्यादा धांसू लगेगा गाइस दिखने में। तो गाइस सिंपली हम लोग इस वाले फोटो को ओपन कर लेंगे टूलबिज एप्लीकेशन के अंदर। देन गाइस बस आपको यहाँ पे आना है, बस आपको कर देना है इफेक्ट वाले टूल्स पे एक बार क्लिक इस तरीके से, सॉफ्ट स्मूथ पे एक बार क्लिक करना है, बहुत आसान है, ठीक है आप लोग समझिएगा। और आपको यहाँ पे जितना भी आपको ज़्यादा चाहिए तो मैं इतना कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 इसको 5 कर लेंगे और इस मार्क्स पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा आँख पर से वाइल पेंट को इरेज कर लेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा लिप्स पर से कर लेंगे और फोटो को डन एंड गाइस राइट कर लेंगे। तो अभी आप लोगों के सामने फोटो का रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना बवाल तरीके से मैंने वाइल पेंट भी अपने हेयर पे एंड गाइस फेस पे कर लिए हैं। और मैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को फिर से मिल जाओ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इतना ही। और फोटो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, और फिर से कर लेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस मिल ही जाएगा।